कटिहार में जिला निबंधक जय कुमार के आवास पर छापेमारी में लगभग 6 लाख नगद और कई जमीन और इंश्योरेंस का कागजात बरामद हुआ है। बताते चले कि पटना निगरानी थाने में दर्ज मामले के आधार पर पूरे बिहार में उनके 5 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के तेजा टोला में जय कुमार के उपस्थिति में उनके भाड़े के आवास में छापेमारी में इस बरामदगी के बारे में निगरानी के DSP संजय जायसवाल ने छापेमारी और बरामदगी की पुष्टि की है। जय कुमार जिला अवर निबंधक कटिहार के विरुद्ध निगरानी थाना पटना में 26/22 दिनांक 1 जून 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें लगभग 76 लाख से ज़्यादा आय से अधिक संपत्ति का आरोप था और राज्य के विभिन्न ठिकानों में और राज्य के बाहर भी इनके ठिकानों पर निगरानी रेड की कार्रवाई की जा रही है। और कटिहार में अभी तक इनके आवास से लगभग 6 लाख नकदी मिला है, जिसकी काउंटिंग की जा रही है और ज़मीन के कागजात मिले हैं, निवेश के फ्लैट में निवेश के कागजात मिले हैं और लगभग 25 लाख के लगभग उनके इंश्योरेंस में निवेश के कागजात मिले हैं, उनके बैंक अकाउंट्स मिले हैं और अभी सबका मूल्यांकन किया जा रहा है और तलाशी की भी कार्रवाई जारी है। कुल कितने जगह पर है छापेमारी सर? कुल 5 जगहों में छापेमारी चल रही है, जिसमें एक राज्य के बाहर सिलीगुड़ी में कार्रवाई हुई। जयकुमार जी मौजूद है यहाँ? हाँ, यहाँ जयकुमार जी आवास पूछताछ। अभी तक उन्होंने तलाशी में सहयोग किया है और तलाशी की कार्रवाई अभी यहाँ की जा रही है। सर, ये 5 जगह कौन कौन सी है जहाँ छापे चल रही है? पटना में चल रहा है, यहाँ पूर्णिया में है, जहाँ भी इनकी प्रॉपर्टी है तलाशी की कार्रवाई चल रही है। मैं संजय जायसवाल, DSP निगरानी, और मेरे नेतृत्व में ये इंस्पेक्टर सत्येंद्र राम, इंस्पेक्टर शहनवाज रिजवी और 6 सदस्यीय टीम है यहाँ पर। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।